शमीन ने बाय की हैवी बाइक सारा न्यूयॉर्क, वो भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। और उसका सबसे बेस्ट पार्ट क्यों अरोमा स्वीट बेकर्स पे। यहाँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और वेदर है इतना कमाल का, सीरियसली वेरी ब्यूटीफुल। ये देखें कितना मज़े का वेदर है, जो आपको इतना सुकून नज़र आ रहा है ना, ये तूफ़ान के बाद की खामोशी है। सुबह इतना ज़्यादा तूफ़ान था, इतनी तेज़ शदीद बारिश थी ना, सीरियसली खिड़कियाँ दरवाज़े टक टक करके बज रहे थे। और अब देखें कितना सन्नाटा हो गया, हल्की हल्की हवा चल रही है, क्लाउडी वेदर है, बहुत ही प्यारा सा। बाहर के वेदर के साथ साथ मेरे दिल का वेदर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे मिली है एप्रिसिएशन बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर्स की तरफ से, फेस टू फेस। वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले वेदर को देखते ही मेरा दिल चाह रहा था कुछ मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट इंजॉय करें, चलें साथ में चलते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स, आपको तो पता है मुझे खूबसूरती कितना ज़्यादा मुतासिर करती है, और इस टाइम आप ये क्लाउड्स चेक करें, खूबसूरती ही खूबसूरती है मेरे चारों तरफ, इतना खूबसूरत व्यू, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है। एक मिनट बस ये आप व्यू चेक करें और क्लाउड्स के कलर चेक करें, वाइट एंड ब्लू, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। कभी कभी अपनी आइज़ पे खुद ही यकीन नहीं होता कि वाकई हम रियल में ये सब कुछ देख रहे हैं, इतनी खूबसूरती। इतनी खूबसूरती को देखते देखते एक बहुत ही प्यारा सा, एक्चुअली दो बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको सबको पता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और जब बच्चों से अप्रिसिएशन मिलती है ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वो ट्रू अप्रिसिएशन होती है। कल मुझे एक बच्ची मिली मार्केट में, एंड शी सेज़, आंटी आप क्राफ्ट क्लास व्लॉग्स वाली हैं ना, मैं आपके व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हूँ। एंड उसी दिन रात में हम लोग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे थे, वहाँ पे मुझे एक और बच्ची मिली, उसके फादर ने कास्को शामीर को आई थिंक पहचान लिया था, क्योंकि मैं तो मास्क वेयर करती हूँ तो मुझे ज़रा कम लोग जानते हैं, लेकिन जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो शामीर और कास्को देख के ऐसे फटाफट गैस लगा लेते हैं कि हम इकरा खास व्लॉग्स वाले हैं। अच्छा, वो बच्ची, उसका नाम था मिशाल, और वो भी इतने अच्छे तरीके से, मतलब हम लोगों को मिली, शामीर के साथ मिली, बड़ा अच्छा फील हुआ। अच्छा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे व्लॉग्स बच्चे भी इतना पसंद करते हैं, और इसके बाद मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर करूं। उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करते रहें। और बस आपसे बातें करते करते मैं पहुँच गई हूँ अरोमा स्वीट बेकर्स पे, यहाँ से करेंगे मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। और शामीर के हाथ में जो आपको बैग नज़र आ रहा है ना, उसमें बहुत बड़ा एक ख़जाना है, वो मैं आपके साथ घर जाके शेयर करती हूँ। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। ऑर्डर हमने दे दी है, टोटली देसी नाश्ता करने वाले हैं हम, पूरा पाकिस्तानी रियल फ्लेवर वाला नाश्ता। और शमीर आपको बोल रहा है हेलो, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन इंसान। ये देखें, डिनर में बिज़ी, लंच में बिज़ी, ब्रेकफास्ट में बिज़ी, ऑलवेज बिज़ी बिज़ी बिज़ी। पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो दिन रात चलता रहता है, मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई। ये जी आ गई है गर्मा गर्म हमारी हलवा पूरी, रियल पाकिस्तानी टेस्ट, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ हलवा पूरी की, लेकिन आज मैं करने वाली हूँ फूड एडवेंचर, मींस के जो चीज़ें मैं नहीं खाती या कम खाती हूँ आज मैं वो सब कुछ खाने वाली हूँ। तो स्टार्ट मैंने लिया है हलवा पूरी से। एक ऐसा एशियन फूड है जो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है, ब्रेकफास्ट का नाम हो तो सबसे पहले जो चीज़ माइंड में आती है वो यही है, हलवा पूड़ी। कुछ फैमिलीज़ तो मैंने ऐसी देखी हैं जिनका हर इवेंट हलवा पूड़ी से शुरू होता है और हलवा पूड़ी पे ही ख़त्म हो जाता है, वीकेंड है तो ब्रेकफास्ट हलवा पूड़ी का ही करना है। खैर, अगर कोई इंडियन हलवा पूड़ी लवर देख रहा है मुझे तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो मुझे ये बात लाजमी आपने बतानी है कि आप एक टाइम पे कितनी पूड़ियाँ खा सकते हैं। छोटी छोटी हमने खा ली है, काफ़ी मज़े की हलवा पूड़ी थी, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है, अब हमने इंजॉय करनी है टी। जाहिर है ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहला ख्याल जो आता है वो टी का आता। आते ही सबसे पहले मैंने चाय बनाई, साथ में किचन के ये एक दो काम थे वो भी किए, मैं सिर्फ घूमती फिरती नहीं रहती, मैं घर के काम भी करती हूँ। खैर, आज घर में ही मैंने टी विद व्यू कर लिया, ये देखें बाहर से व्यू, और मेरे हाथ में है गर्मा गर्म टी। रियल स्टोरी पे, शमीर ने बाय किया हैवी बाइक, एंड सीरियसली एज अ पेरेंट मुझे बड़ी खुशी होती है जब शमीर जल्दी जल्दी कुछ पसंद कर लेता है, जल्दी जल्दी कुछ बाय कर लेता है और तंग नहीं करता, नहीं तो शमीर को बहुत मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन ये इसने फटाफट सेलेक्ट कर लिया, फटाफट बाय कर लिया। आइए आपको दिखाती हूँ, ये है शमीर, और ये जो बैग आपको नज़र आ रहा है ना, बस इसी में है शमीर का रियल ख़जाना। और ये देखें, ये है हैवी बाइक जो हर जगह आजकल हमारे साथ जाता है, हमने कहीं भी जाना हो तो ये हमारे साथ ही होता है।
अच्छा मज़े की बात यह है कि जब कभी मैंने या काश ने इसे इस टाइप की ट्वाइस रिकमेंड किए हैं ना कि बाइक ले लो गाड़ी ले लो, तो शामिर सेज आई एम ग्रोन अप, आई एम अ किड, आई नॉट बाय दिस। और आज पहली नज़र में ही शामिर ने ये पसंद कर लिया और मैंने उसको लेके दिया, क्योंकि शामिर को बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं और जब फिर वो एकदम से कुछ पसंद करते हैं ना तो मैं कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं करती। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन मैंने सोचा बाद में इसको डेकोरेशन पीस बना के रख दूँगी, क्योंकि ये बहुत क्यूट है, देखिए रियल हैवी बाइक लग रहा है ना। बाइक को देख के ना मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि हम लोग भी ना अपने बचपन में फजूल चीज़ें बाय करते थे और तब हमें बिल्कुल ये समझ नहीं थी कि इसका कोई यूज़ नहीं है या बस ये बेकार है, लेकिन हम ज़िद करते थे कि हमने फलानी डॉल लेनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो बस मैं जितने पेरेंट्स देख रहे हैं ना उन सबको कहना चाहती हूँ कि बचपना बार बार थोड़ा ही आता है, जो उम्र का हिस्सा गुजर जाना है ना वो दोबारा नहीं आना, इसलिए बच्चों को खुल के इंजॉय करने दें, कभी कभी फजूल चीज़ें भी ले दिया करें, खैर है कोई बात नहीं। I am going to New York. You are going to New York? Yeah. On bike? Yeah. Very good. कौन कौन जाना चाहता है पाकिस्तान टू न्यू यॉर्क, वो भी बाइक पे। By the way, Shamir, why you select bike for you? Because I like sports bike and also I like police. Oh, that's good. अमीर तो जा रहे हैं न्यूयॉर्क वो भी बाइक पे। हमारा बजट थोड़ा सा कम है, हम पाकिस्तान के अंदर ही थोड़ा घूम फिर लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ एक न्यू फ्लेवर का पिज़्ज़ा ट्राई करने, उससे पहले मैंने ये फ्लेवर कभी भी ट्राई नहीं किया, वही टिपिकल फ्लेवर्स हम लोग यूजली इंजॉय करते हैं। अच्छा मैंने डायरेक्ट रिस्क नहीं लिया, पहले मैंने वही फ्लेवर्स मंगवाए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, फजीता, बारबेक्यू, चिकन टिक्का। लेकिन जो फ्लेवर मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ ना वो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और उसकी तारीफ़ें मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है। कभी कभी फूड एडवेंचर करने चाहिए, जो चीज़ कभी नहीं ना लाइफ में ट्राई की वो भी कभी कभी ट्राई करनी चाहिए, लेकिन रिस्क ना लें, आप पहले वो खा पी लें जो आपको अच्छा लगता है, ताकि अगर टेस्ट बुरा भी हो तो आपको अफसोस ना हो। ये है जी वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, हैबेनारो केक फ्रॉम ब्रॉडवे, और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है सीरियसली। बाय लुक तो मैं इसकी फ़ैन हो ही गई हूँ, देखें कितना ये क्यूट लुक दे रहा है, रियल ना ऐसे दिल कर रहा है कि बस इसको ट्राई किया जाए। और सारे फ्लेवर में ये जो इसके ऊपर आपको येलो सी सॉस नज़र आ रही है ना, सारा कमाल इसका है, जो कि एक चिली सॉस है जो हल्का हल्का ना ऐसे स्पाइसी फ्लेवर देती है, बहुत मज़ेदार सा। फूड एडवेंचर मिशन सक्सेसफुल, सीरियसली कभी कभी लाइफ में वो चीज़ें ट्राई लाजमी करनी चाहिए जो इससे पहले कभी नहीं की होती, और मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड, बहुत मज़े के। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो आपने लाजमी ट्राई करना है हैबेनारो केक फ्रॉम ब्रॉडवे। ये है हमारी स्पैरोज़ के लिए, क्योंकि काश ये वाला पार्ट नहीं खाते तो इसको वेस्ट नहीं करना, ये हम अपनी स्पैरोज़ को इंजॉय करवाएंगे। अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के व्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट, क्योंकि मुझे छोटी छोटी खुशियाँ बांटना बहुत अच्छा लगता है और जब बात बच्चों की आती है तब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने ली हैं ये कैंडीज़ और ये मैं डिवाइड कर दूँगी सब किड्स में, और बच्चे इतना खुश हो जाते हैं ना सीरियसली। आप ना कभी कभी इस तरह के छोटे छोटे काम करके देखा करें, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ऐसे दिल से ना सुकून मिल जाता है। ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग, एट द एंड कहना चाहती हूँ खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, अल्लाह हाफिज़।